देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। किसान से लेकर देश के जवान, हर किसी को यह विश्वास बना है। यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वह जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वह अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। कैसे करूं, कहां कहां करूं की भावना आज चरम पर है। एक दायित्व के नाते हमारे लिए सुख की नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने की चाहत सरकार पर बढ़ जाती है। आज भारत कैसे खड़ा है, जहां से एक वैभवशाली मजबूत भारत बनने की ओर अग्रसर है। आज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से महासंवाद के माध्यम से कही, जिसका आयोजन पलामू जिला मुख्यालय में किया गया। नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर के साथ पहुंची सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी, जहां भाजपा के प्रधान चेहरे मोदी ने कहा कि अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा, क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, पर साल भर उसे पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद के नायक हैं। आपने लोगों का दिल जीत लिया तो समझो बूथ जीत लिया, कोई नहीं रोक सकता। नया भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। मोदी ने चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान करते हुए कहा कि 2014 से पहले जिन आवश्यकताओं को महसूस किया गया, उन बुनियादी जरूरतों को पूरा किया गया। 2019 जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होगा। हर व्यक्ति राष्ट्रहित में अपने दायित्वों को पूरा करे। खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास ही हमारी पूंजी है। आगे बढ़ें और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। इस दौरान जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे, वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे, अमलेश दुबे, जिप सदस्य विनोद सिंह, उपमहापौर मंगल सिंह, नगर अध्यक्ष राजहंस अग्रवाल समेत सक्रिय महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। मगर सत्ताधारी दल के कार्यक्रम में जो मौजूदगी होनी चाहिए वो नहीं थी। मतलब साफ है कि मेयर अपने संग संख्या बल लेकर नहीं पहुंचती तो फिर जो टाउन हॉल का आगे का चार लाइन है, चार रो, वो भी नहीं भर पाता। ऐसे में जिलाध्यक्ष हो या नगर अध्यक्ष, समझना होगा कि कम से कम अपने संग दो तीन लोगों को भी ले आते तो बेहतर होता। सब काम जनता से लेकर पार्टी तक का चुनाव जीते हुए नेता ही करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, जो पहली पंक्ति में बैठने और फोटो खिंचवाने के लिए व्याकुल होते हैं। भीड़, चूंकि कार्यकर्ता कुछ बहुत सारे कार्यकर्ता जो है सो अभी आ ही रहे हैं। अभी कार्यक्रम हमारा कुछ विलंब से यहाँ शुरू हुआ था, और जहाँ तक भीड़ का बात है तो